हेलो नमस्कार साथियों, जय सेल से। मैं डॉक्टर रविंद्र यादव, टीम जूलॉजी सेल से सीकर। हमारा जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का जो हमारा जो जूलॉजी का पोर्शन है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं आज, ठीक है। तो पहला जो 91 क्वेश्चन है उसको देखते हैं, जेनेटिक्स का। इसमें लिखा है कि द जीनोटाइप ऑफ ए फादर एंड चाइल्ड, ठीक है, फादर और चाइल्ड का जीनोटाइप दे रखा है और पूछा है कि मदर के कौन सा जीनोटाइप हो सकता है ब्लड ग्रुप का, ठीक है। तो डिफरेंट जीनोटाइप और फिनोटाइप का पूछा है, जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों बताने हैं, ठीक है। तो देखो, फादर का दे रखा है, यहाँ चाइल्ड का दे रखा है, ठीक है, और पूछा है किसका है, मदर का पूछा है। फादर का दे रखा है IA I0, ठीक है, और चाइल्ड का दे रखा है IA I0। तो मदर का कौन कौन सा हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल। देखो पहले ए से स्टार्ट करो, ये भी हो सकता है। ए का देख लिया, उसके बाद बी का देख लो, ठीक है। ए का देखा, फिर बी का देखो, बी का देख लिया तो बी में IB और I0। तो देखो, ये दोनों हो तो भी चाइल्ड का ए हो सकता है, ये दोनों हो तो भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, बट दोनों बी बी हो तो उसे नहीं हो सकता। तो फिर देखो, ए बी इसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, ए बी का हो गया, इसके बाद में देख सकते हैं हम ओ, यानी कि ये जीनोटाइप है तो भी ये ए हो सकता है, ठीक है, ये जीनोटाइप है तो भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी और इससे भी। तो टोटल कितने जीनोटाइप पॉसिबल है मदर के, 1 2 3 4 5, 5 जीनोटाइप। और फिनोटाइप की बात करें तो इन दोनों से फिनोटाइप क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप, इससे होगा बी ब्लड ग्रुप, ए बी एंड ओ, तो चार तो क्या हो गए फिनोटाइप, और जीनोटाइप कितने हुए, 5, ठीक है। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, थर्ड, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, 91 में हो गया थर्ड, उसके बाद 92 की बात करते हैं, ठीक है। 92 में दे रखा है कि एक वाहक महिला जिसके पास एक गुणसूत्र पर हीमोफिलिक जीन है और दूसरे गुणसूत्र पर वर्णांता की जीन है, ठीक है, वाहक महिला है, ठीक है, महिला वाहक है, ठीक है, ठीक है, वाहक महिला में एक गुणसूत्र पे, देखो फीमेल की बात करें, ये फीमेल है, ठीक है, एक पे हीमोफीलिया की जीन है स्मॉल एच, इसका मतलब इधर कैपिटल एच होगा, ये हीमोफीलिया के लिए कैरियर हुई। फिर लिखा है कि दूसरे एक्स क्रोमोसोम पे वर्णांता की जीन है, कलर ब्लाइंड की जीन है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, दूसरे पे ये स्मॉल सी और ये कैपिटल सी, यानी कि इसको अगर हम मॉडिफाई करके लिखें तो एक फीमेल है, इस पे एक पे हीमो कलर ब्लाइंड की स्मॉल सी लिख दिया और हीमोफीलिया के लिए स्मॉल एच, यानी कि ये है फीमेल जो जो है उसका जीनोटाइप, ठीक है। अब बात है कि वह वर्णांत पुरुष से शादी करती है, ये मेल है और ये वर्णांध है, ठीक है। तो कितनी संततियां दोनों विकार के लिए इफेक्ट होंगी, दोनों विकार से अफेक्ट होंगी, दोनों की दोनों जो डिसऑर्डर है वो कितनी प्रोजेनी में होंगे। तो देखो, यहां से हम बात करें तो इससे जो लड़की बनेगी, दो गर्ल्स बनेंगी, कैसी, ये आ गया इसमें, ठीक है, स्मॉल एच, ठीक है, और इधर से आएगा, ये तो हो गया, एक पे तो उसने हीमोफिलिक जीन है, ठीक है, वाहक महिला है जिसके पास में, ठीक है, एक तो हो गया एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफिलिया की जीन, ठीक है, दूसरे एक्स क्रोमोसोम पे हो गया कलर ब्लाइंड की जीन, ठीक है, एक एक्स पे हीमोफिलिक जीन हो गया, दूसरे पे कलर ब्लाइंड का हो गया, ठीक है, और उसने शादी करी है वर्णांत पुरुष से, ठीक है, तो दोनों विकार के लिए प्रभावित होंगी, दोनों विकार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, दोनों विकार कब हो पाएंगे, अगर लड़की है उसमें दोनों विकार कब होंगे,
जब ये कैपिटल एच स्मॉल एच एस, ये विकार नहीं होगा। देखो दोनों के लिए विकार कब हो पाएंगे उसको, ठीक है, देखो सबसे पहले बात करेंगे, ये है फीमेल स्मॉल एच और स्मॉल सी, इसने शादी कर ली एक ऐसे मेल से जो स्मॉल सी वर्णांत है, ठीक है। अब लड़कियां दोनों विकार से प्रभावित कब होंगी, जब इसमें देखो स्मॉल एच तो अब हीमोफीलिया के लिए डिजीज हो जाएगी इसमें, ठीक है। अगर स्मॉल सी ऐसे हो जाए, इसका मतलब ये जो फीमेल है ना, ये जो लड़की है दोनों विकार के लिए डिजीज हो गई। और इस लड़के की बात करें तो लड़के कब होंगे, लड़के कब होंगे, एक्स वाई स्मॉल एच स्मॉल सी, तब जाके वो लड़का इफेक्टिव होगा, डिजीज होगी उस लड़के के। तो इन दोनों जीनोटाइप से फीमेल और मेल से ऐसी कोई प्रोजेनी आएगी क्या जिसमें दोनों एक्स पे स्मॉल एच हो, ठीक है, स्मॉल एच हो, स्मॉल एच स्मॉल एच स्मॉल सी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों एक्स पे स्मॉल एच स्मॉल सी आए। इसका मतलब इन दोनों पेरेंट से ऐसी कोई संतति होगी नहीं जिसमें दोनों डिसऑर्डर हो, दोनों के दोनों डिसऑर्डर हो ही नहीं सकते। तो आंसर कौन सा आएगा, थर्ड आ जाएगा, 0%, ठीक है। तो 92 में आ गया थर्ड, उसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। 92 के बाद में बात करते हैं 93, ठीक है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है, रिसेसिव फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी, और पूछा है कि ये इतना दे रखा है रिसेसिव फिनोटाइप की 0.04, फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइब्रिड, हाइब्रिड की पूछा है भाई। हार्डी विनिबर का इक्वेशन क्या बोलता है, रिसेसिव का मतलब स्मॉल एस का दे रखा है 0.04, इसका मतलब ए बराबर क्या होगा 0.2, तो स्मॉल बी बराबर क्या हो गया 0.8, तो इसमें पूछा है हाइब्रिड ए बी, 2AB हो जाएगा, हाइब्रिड का मतलब 2AB, और 2AB कितना हो जाएगा 2 × 0.8, ठीक है, तो कितना आएगा 0.32, आंसर इज फोर्थ, करेक्ट हो गया, ठीक है। 93 में क्या आ गया फोर्थ, उसके बाद बात करते हैं 94 की, 94 की बात करते हैं कि डिवरी जो होगी, डिविज थे उन्होंने जो म्यूटेशन थ्योरी दी थी वो कौन से प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, ऑर्निथेरा लैमार्कियाना, इवनिंग प्रिमरोज, तो ऑर्निथेरा लैमार्कियाना इवनिंग प्रिमरोज पे किया था उन्होंने, इवनिंग प्रिमरोज, ऑर्निथेरा लैमार्कियाना, ऑर्निथेरा लैमार्कियाना, ठीक है। तो हो गया 94 में थर्ड आ गया, ठीक है, 94 में आ गया थर्ड। उसके बाद बात करते हैं 95 की, ठीक है। 95 में दे रखा है कि ये मल्टीपल यानी कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि जब बहुत सारे जीन एक करैक्टर को रेगुलेट कर रहे हैं तो सारे डोमिनेंट एलील का अपना अपना एडिटिव इफेक्ट होता है। कैसा होता है, एडिटिव इफेक्ट होता है, ठीक है। तो देखो अगर एक सीड है, बीज है, सीड उसका जीनोटाइप है ये, इसमें कितने डोमिनेंट एलील हैं, 4 डोमिनेंट एलील है, और इसका फिनोटाइप कितना आ रहा है 46 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर एक भी डोमिनेंट नहीं हो, चार को चारों रिसेसिव हो, तो कितना हो गया 26 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आए कि अगर लेंथ की बात दे, वेट की बात करे कि इतने वेट का टोमेटो होगा, इतने वेट का फ्रूट होगा, ठीक है। तो अब पूछा है कि अगर इन दोनों का क्रॉस कराएं, इसका
इससे क्रॉस कराएं, ठीक है। तो बात आती है कि उसने क्रॉस का नहीं नाम लिया कि इसने सीधा जीनोटाइप दे दिया। अगर जीनोटाइप देखो, ये जीनोटाइप है इसका इतना हो गया फिनोटाइप, इस जीनोटाइप का फिनोटाइप इतना हो गया। अगर उसने कहा कि ऐसा कोई जीनोटाइप है तो उसकी लेंथ कितनी होगी प्लांट की, यानी बीज के अंदर जीनोटाइप ऐसा है तो उसकी लेंथ कितनी होगी। तो देखो, इस तरह की प्रॉब्लम में अपने को किसी एक डोमिनेंट एलील का, क्वेश्चन समझ में आ गया, किसी एक डोमिनेंट एलील का निकालना है, ठीक है। एक डोमिनेंट एलील, ठीक है, वन एलील, किसी एक एलील का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, किस एक एलील का कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो उसका फॉर्मूला है मैक्सिमम अधिकतम फिनोटाइप, मैक्सिमम फिनोटाइप अधिकतम फिनोटाइप, मैक्सिमम फिनोटाइप माइनस मिनिमम फिनोटाइप, अपॉन टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, टोटल डोमिनेंट एलील, टोटल डोमिनेंट एलील, ठीक है। यानी कि फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम एक्सप्रेशन माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन अपॉन टोटल डोमिनेंट एलील। तो देखो, मैक्सिमम एक्सप्रेशन कितना है, मैक्सिमम मैक्सिमम एक्सप्रेशन है 56, मिनिमम कितना है 26, अपॉन टोटल डोमिनेंट कितने हैं, देखो 4 है, तो कितना आया 30/4, 7.5 सेंटीमीटर। यानी कि अगर किसी जीनोटाइप में आपको एक डोमिनेंट एलील दिख जाए तो उसकी हिस्सेदारी कितनी होगी, 7.5 सेंटीमीटर। अब अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा था, इस जीनोटाइप की कितनी होगी लंबाई फिनोटाइप। तो अगर एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है, सारे के सारे रिसेसिव एलील हैं किसी बीज में, तो 26 तो होनी होनी है भाई, 26 तो होगी होगी, एक भी डोमिनेंट नहीं है तो 26 तो होगी होगी। और जैसे जैसे डोमिनेंट बढ़ते जाएं तो 26 में ऐड करते जाओ कितने, 7.5 + 7.5, ठीक है। दो डोमिनेंट है तो दो बार 7.5 ऐड कर दिया। अगर एक भी डोमिनेंट नहीं होता, केवल स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल भी, स्मॉल भी, तो 26 सेंटीमीटर का तो ये होता ही। पर जैसे जैसे दो डोमिनेंट बढ़ गए तो कितने, 15 और जुड़ गए, 7.5, एक और बढ़ जाता, एक और हो जाता यहाँ पे, तो तीन हो जाते, तो 7.5 और ऐड हो जाता, तो कितने आंसर हो इसके, इसका आंसर हो जाएगा 41 सेंटीमीटर, ठीक है। 95 में आ गया 4th, ठीक है, चलो 95 हो गया। 96 देखते हैं, मेंडल ने वर्षागति के नियम के संदर्भ में विषम गलत का चूज करना है, ठीक है, ओड वन, ठीक है। तो देखो, कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन पाइजम सेटावियम, ठीक बात है, 7 ईयर, ठीक है, फर्स्ट करेक्ट हो गया, फर्स्ट सही है। फर्स्ट टाइम स्टैटिकल एनालिसिस, पहली बार मेंडल ने तो मैथमेटिक्स का यूज किया था बायोलॉजी की प्रॉब्लम्स में, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एक्सपेरिमेंट्स लीड ए लार्ज सैंपल साइज, उनकी मेंडल की सफलता का एक कारण ये भी था कि लार्ज सैंपल साइज थी हजारों के टाइम, तो बिल्कुल सही है। अब देखो, फोर देखो, ही सिलेक्टेड 7 ट्रू ब्रीड पी प्लांट, उन्होंने देखो 7 लिए थे करैक्टर, 7 करैक्टर लिए थे, और उन्होंने 14 ट्रू ब्रीड लाइन बनाई थी। ट्रू ब्रीड लाइन कितनी, 14 ब्रीड लाइन बनाई थी, ट्रू ब्रीड लाइन, इसमें बोला है कि 7, तो ये गलत हो गया, गलत हो गया, तो पूछा क्या है गलत, यानी कि आंसर कौन सा हो गया, 4th आंसर हो गया, आंसर नंबर 4th, 96 में 4th हो गया, ठीक है, 96 में हुआ 4th। नेक्स्ट देखते हैं, 97, इसमें दिखा है कि ओड वन, वापस से ओड वन सेलेक्ट करना है, ओड वन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में देखा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता क्या है कि जो F1 जो होता है उसका जो जीनोटाइप, ठीक है, और F2 का, F1 का जीनोटाइप, ठीक है,
एक जैसा होगा, सभी एक एक जीनोटाइप होगा उसका, तो F1 का। लेकिन जो F2 जो होगा, उस F2 का जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो सेम होगा। F2 का जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो सेम होगा और F1 का जो फिनोटाइप होगा F1 का फिनोटाइप वो किसी से भी मैच नहीं करेगा, किसी से भी मैच नहीं करेगा, किसी से भी मैच नहीं करता। देखो तीन सिचुएशन आती है इसमें। यदि F1 का फिनोटाइप किसी एक पेरेंट जैसा हो तो डोमिनेंस होगी, यदि F1 का फिनोटाइप दोनों पेरेंट के जैसा हो तो कोडोमिनेंस, और F1 का फिनोटाइप किसी भी पेरेंट के जैसा नहीं हो तो क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो F2 का फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो समान होता है, बिल्कुल सही बात है। टेस्ट क्रॉस में दो फिनोटाइप बनता है, ठीक बात है। F1 संकरण का जो फिनोटाइप होता है दोनों जनकों में से किसी एक से समानता, ये तो डोमिनेंस हो गया। दोनों पेरेंट में से किसी एक पेरेंट्स में से मिले तो वो तो डोमिनेंस हो गया, या तो पूछा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में तो F1 का फिनोटाइप किसी से नहीं मिलता, इसका मतलब रॉन्ग आंसर कौन सा हुआ, ये ओड वन हुआ, ये गलत है, नंबर थर्ड गलत है, ठीक है। तो आंसर थर्ड हो गया, ओड वन ही पूछा है। तो 97 का आंसर कितना हुआ, आंसर नंबर 3, ठीक है, 97 की 97 हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, 98 की बात करते हैं। एक महिला हीमोफीलिया से ग्रसित होने की संभावना अत्यधिक कम होती है, क्यों? फीमेल को एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज, हीमोफीलिया नहीं, एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज कम ही होती है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि देखो फीमेल को, जैसे अगर ये फीमेल है, इसको हीमोफीलिया हो तो ये जीनोटाइप होगा, और ये जीनोटाइप होने के लिए इस फीमेल जो है इसके फादर को तो डिजीज होना ही पड़ेगा, तभी एक एक्स स्मॉल एच लेके आ पाएगा, क्योंकि यही एक्स तो आएगा इसमें, और इसकी मदर को, मदर से भी एक स्मॉल एच आएगा, इसका मतलब मदर को कम से कम वाहक कैरियर और फादर को तो डिजीज होना ही पड़ेगा, तब जाके ये जो फीमेल है ये डिजीज्ड होगी। एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज का कॉन्सेप्ट ये है कि फीमेल को एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज तब हो पाएगी जब उसके फादर क्या होंगे, डिजीज, और मदर क्या होगी, कैरियर, कम से कम कैरियर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो उसकी, उस महिला की माता को, उस जो फीमेल है उसकी मदर को कम से कम मदर कैरियर हो और फादर हीमोफिलिक, तब जाके उसको डिजीज होगी। तो आंसर फर्स्ट ही करेक्ट हो गया इसका, ठीक है, 98 में हो गया फर्स्ट 98 में, ठीक है। 98 के बाद में देखते हैं 99 की बात करते हैं। तो देखो ड्रोसोफिला में मॉर्गन को F2, जो F2 है उसके बारे में है कि F2 में येलो बॉडी का कलर येलो और आई कलर कैसा, व्हाइट, ठीक है। तो यहां फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा है, ठीक है, और इसमें जो पेरेंटल है वो कितने दे रखे। अब देखो एक्स जो क्रोमोसोम होता है ड्रोसोफिला में, ठीक है, उस पर 3 जीन होते हैं, ए ये बी, बाकी और भी बहुत सारे जीन होते हैं, लेकिन मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट में काम में लिया, जो ड्रोसोफिला में जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, क्रोमोसोमल थ्योरी का एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था, उसमें 3 जीन को लेके क्रॉस कराया था। जीन ए था बॉडी कलर, जीन बी है आई कलर, और जीन सी था विंग्स की साइज, ठीक है, विंग्स साइज पे। तो पहला क्रॉस कराया था बॉडी कलर आई कलर पे, क्रॉस ए, और आई कलर और विंग की साइज के बीच में क्रॉस बी कराया था मॉर्गन ने। इसने क्या बताया कि F2 जनरेशन में येलो कलर
और वाइट आईज, मतलब क्रॉस ए के बारे में बात कर रहा है, क्रॉस ए। और क्रॉस ए हो या क्रॉस बी हो, दोनों में ही क्या शो हो रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो होती है। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो होगी जिसमें पेरेंटल ज्यादा है। आपने देखे थे कि क्रॉस ए में पेरेंटल ज्यादा थे काफी, 98 पॉइंट कितने थे, 7, और 1.3 क्या थे, रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, क्रॉस बी की बात करें, क्रॉस बी में कितने थे, 62.8 थे, 62.8 तो परसेंट क्या थे, पेरेंटल, और 37.2 क्या थे, रिकॉम्बिनेंट। और पहले वाले क्रॉस में ये तो पेरेंटल थे, ये रिकॉम्बिनेंट थे। तो पूछा क्या है, येलो कलर और आई का कलर, यानी क्रॉस ए के बारे में पूछ रहे हैं। और क्रॉस ए में इनकम्प्लीट लिंकेज तो था ही, कंप्लीट लिंकेज तो था ही नहीं। और देखो क्रॉस ए में यहीं से आंसर आ गया कि 98.7 इतने पेरेंटल थे, तो आंसर एक ही आ रहा है इसमें। भाई क्रॉस ए का आप एनसीईआरटी की बुक उठा के देखोगे तो क्रॉस ए में कितने पेरेंटल दिख रहे हैं, 98.7, तो यहीं से आ जाएगा। क्रॉस ए का कैसे पता चलेगा, पीला रंग, येलो, व्हाइट आई, और बॉडी कलर और आई के बीच में ही क्रॉस ए था, तो आंसर तो यही आ गया, इनकम्प्लीट लिंकेज और 98.7, तो यहाँ आ गया 98.7 या इनकम्प्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज। तो आंसर कौन सा, थर्ड सही हो गया, 99 में थर्ड। ठीक है, 99 थर्ड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 100 देखते हैं कि डोमिनेंस की जो हाइपोथेसिस है, डोमिनेंस की जो हाइपोथेसिस है वो ये बताती है कि जो मॉडिफाइड एलील है इज नॉट इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील। कब ऐसा हो पाएगा कि एक जो डोमिनेंट एलील है और रिसेसिव एलील असमान होंगे। देखो कोई एलील डोमिनेंट क्यों होता है, क्योंकि उसमें एंजाइम अच्छे से काम करता है। जो हाइपोथेसिस लिखी हुई है डोमिनेंस की, जो हाइपोथेसिस उसके अकॉर्डिंग क्या है, तीन कंडीशन, कि कोई रिसेसिव एलील है तो उस एलील को रिसेसिव कब बोलेंगे, जब उस रिसेसिव एलील से बनने वाला एंजाइम क्या हो, लेस एफिशिएंट, कम काम करे वो एंजाइम। दूसरा क्या हो, नॉन फंक्शनल, काम ही नहीं करे एंजाइम। थर्ड है नो एंजाइम, एंजाइम बने ही नहीं। और इन तीनों ही कंडीशन में ये एलील क्या हो जाएगा, रिसेसिव। इस एलील को रिसेसिव बोलेंगे दोनों ही कंडीशन में, इस एलील को रिसेसिव बोलेंगे। क्यों, क्योंकि एंजाइम काम नहीं करेगा तो डोमिनेंट के बराबर फिनोटाइप लक्षण बना ही नहीं पाएगा ये। तो देखो ये कह रहा है कि उसके असमान कब होगा, इन तीनों कंडीशन में असमान होगा, लेस एफिशिएंट एंजाइम बने, नॉन फंक्शनल या नो एंजाइम। तो यहां देखो तीनों कंडीशन में इन तीनों को ढूंढना है, ये कि सामान्य एंजाइम बनाएगा, सामान्य बनाएगा तो दोनों बराबर ही हो जाएंगे, समान लक्षण प्रारूप नहीं होगा। ये देखो अकार्यात्मक एंजाइम, नॉन फंक्शनल एंजाइम बनेगा तो एक तो डोमिनेंट कहलाएगा, और जिसमें नॉन फंक्शनल एंजाइम बन रहा है उस एलील को क्या बोलेंगे, रिसेसिव एलील बोलेंगे। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड इज करेक्ट। तो इसका आंसर हो गया थर्ड। ठीक है, 100 में हो गया थर्ड, 100 में थर्ड हो गया। उसके बाद 101 देखते हैं, 101, कॉकरोच इज डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन, किस बेस पे, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पूछ रहे हैं। तो कॉकरोच में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है, एक्सो एक्स एक्स, ये होता है मेल, ये होती है फीमेल। ठीक है, इसके फीमेल में दो एग बनेंगे एक्स एक्स वाले, मेल में दो तरह के स्पर्म बनेंगे, एक में एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, दूसरे में एक्स क्रोमोसोम होगा। तो यही तो देखना है, नर में दो लैंगिक गुणसूत्रों की उपस्थिति, बिल्कुल गलत बात। मादा में एक लैंगिक गुणसूत्र, गलत बात, मादा में तो दोनों लैंगिक गुणसूत्र है। मादा में जेड डब्ल्यू नो, एक्स एक्स एक्सो टाइप का होता है, इसमें तो जेड 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 डब्ल्यू तो किसमें होगा, ये तो होता ही नहीं है, जेड 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 डब्ल्यू तो बर्ड्स में होता है। नर में एक लैंगिक गुणसूत्र की अनुपस्थिति, बिल्कुल सही बात है, यही तो हम देखा है कि नर के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम नहीं है, एक ही स्पर्म में है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा,
फोर्थ, 101 में फोर्थ हो गया, ठीक है, 101 में फोर्थ हुआ। 102 देखते हैं, 102 सीधा सा है, वेरिएशन क्या होती है भाई, पेरेंट्स में, पेरेंट्स की तुलना में पेरेंट्स और संतानों में वेरिएशन जो होंगी, डिग्री ऑफ वेरिएशन, उसी को वेरिएशन, जो डिफरेंसेज होंगे ना अंतरों में भाई, हम हमारे पेरेंट के एग्जैक्ट समान नहीं है, कुछ समानताएं हैं बाकी असमानताएं हैं, तो असमानताओं की कोटि को ही तो क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं, डिग्री विच बाई प्रोजेनी डिफर फ्रॉम द देयर पेरेंट। जनक और संतति में लक्षणों की असमानता की कोटि वेरिएशन है, फर्स्ट ही आ गया इसमें तो, 102 में फर्स्ट, ठीक है। 103 देखो, डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म है, छह लोकाई के लिए हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस का मतलब n बराबर क्या हुआ 6, छह लोकाई के लिए हेट्रोजाइगस, मतलब लोकाई का मतलब ये है कि ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, 1 2 यानी कि यहाँ स्मॉल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल एफ स्मॉल एफ, इन छह लोकाई के लिए क्या है, हेट्रोजाइगस है, तो एन बराबर 6, तो कितने गैमेट बनेंगे, 2 की n यानी 2 की पावर 6, 64 आ जाएंगे। 103 में कौन सा हो गया, थर्ड आ जाएगा, ठीक है, 103 कंप्लीट हुआ। 104 की बात करते हैं, देखो ड्रोसोफिला में, ड्रोसोफिला को जेनेटिक स्टडी के लिए क्यों उसको चुना गया, ठीक है, आनुवंशिक अध्ययन के लिए ड्रोसोफिला उपयुक्त है, क्यों, क्योंकि आर्टिफिशियल मीडियम में उसको रखा जा सकता है, ठीक बात है, उनका लाइफ साइकिल कम होता है, 102 सप्ताह में जीवन चक्र पूरा हो जाता है, और एक बार मैटिंग करने के बाद लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी बन जाती है, सैंपल साइज ज्यादा हो जाएगी, अच्छी बात है। जेनेटिक वेरिएशन अनेक प्रकार की होती है, यही तो स्टडी कर रहे हैं जेनेटिक वेरिएशंस की, तो वो तो बहुत जरूरी बात है, ठीक है, ये भी सही बात है, लो माइक्रोस्कोप, लो पावर माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। दूसरा सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म भी होता है, स्मॉल साइज का मेल होता है, लार्ज साइज की फीमेल होती है, ठीक है, तो इसके तो सारे सही हो गए, आंसर सेकंड आ जाएगा, ए बी सी डी ई, 104 में हो गया सेकंड, ठीक है, 104 के बाद 105 देखते हैं, 105 की बात करते हैं, ट्रू ब्रीड लाइन का मतलब क्या है, मेंडल ने ट्रू ब्रीड लाइन कितनी बनाई थी, 14 ट्रू ब्रीड लाइन बनाई थी, 14 ट्रू ब्रीड लाइन बनाई थी, ठीक है, और कैसे बनाई थी, लगातार सेल पोलिनेशन कराया था, लगातार सेल पोलिनेशन, ठीक है, लगातार सेल पोलिनेशन कराया था, और उससे ये पता चला, जैसे ये कैपिटल टी है, इसका इसी कैपिटल टी से, तो प्रोजेनी भी क्या होगी, कैपिटल टी कैपिटल टी, फिर इसका कैपिटल टी कैपिटल टी से, तो इस कैपिटल टी कैपिटल टी, लगातार सेल पोलिनेशन करा रहे हैं, और एक सिंगल ट्रेट का इनहेरिटेंस हो रहा है, एक ही ट्रेट का इनहेरिटेंस शो कर रही है, कॉन्स्टेंट ट्रेट का इनहेरिटेंस शो करेंगे, तो उसी को बोलेंगे लगातार सेल पोलिनेशन से स्थिर लक्षण के वंशाक्ति दर्शाता है, उसी को तो बोलते हैं ट्रू ब्रीड लाइन, कई पीढ़ियों तक वो केवल एक ही करेक्टर को शो कर रही है, ट्रेट को इनहेरिटेंस शो कर रही है, तो 105 में कौन सा हो जाएगा, अंडरगो द कंटिन्यूस क्रॉस पोलिनेशन, ये नहीं होगा, क्रॉस पोलिनेशन थोड़ी कराया था उसने, तो सेल पोलिनेशन कराया था हर जनरेशन में, तब जाके उसको प्योर लाइन प्राप्त हुई थी, प्योर लाइन तब मिली थी उसको, तो 105 में आ जाएगा 2 सेकेंड आ गया, ठीक है, 105 के बाद 106 देखते हैं, 106 देखो, वर्णांता जो दे रखी है कलर ब्लाइंड, ये फीमेल मेल की, फीमेल की तुलना में मेल में ज्यादा होती है, ठीक है, मादाओं की तुलना में नर में अधिक, तो इसका रीजन ये, अब ये हम देखा था ना कि किसी फीमेल को हीमोफिलिक होने के लिए उसकी माता को तो वाहक और उसके फादर को डिजीज होना पड़ेगा, ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा चांस मिलता ही नहीं है कि दो उसकी मदर कैरियर हो फादर डिजीज हो, ठीक है, इसलिए फीमेल में चांस कम है, मेल में चांस ज़्यादा है, क्यों, अगर मेल में चांस इसलिए ज़्यादा है, अगर उसकी मेल की मदर भी क्या हुई कैरियर, तो भी 50% चांस है हीमोफिलिक होने के, ठीक है, तो मेल में चांस ज़्यादा होते हैं, ऐसे कैसे बुक में लाइन लिखी है, ठीक है, वहीं से ऐसे कैसे क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है,
इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि ये जो करैक्टर होते हैं ना, वर्णांता किस कैसे होती है, एक्स लिंक रिसेसिव है वर्णांता, वर्णांता तो एक्स लिंक रिसेसिव होती है, ठीक है। एक्स लिंक रिसेसिव हो गए तो वही चांस है कि फीमेल में चांस कम है, मेल में चांस ज्यादा है, ठीक है। तो क्योंकि ये कलर ब्लाइंड एक्स लिंक रिसेसिव है तो इसके चांस मेल में होने की चांस ज्यादा है फीमेल की तुलना में, ठीक है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं इसके जीन। तो जीन फॉर करैक्टर आर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम पे होंगे उसके, ठीक है। 106 हो गया आंसर, सेकंड आएगा। 107 देखते हैं, 107 की बात करते हैं, ठीक है। ए मैरिज बिटवीन नॉर्मल विजन, सामान्य दृष्टि वाले पुरुष और वर्णांध स्त्री। देखो इस तरह के क्वेश्चनों में जीनोटाइप लिखने लिखते ही क्वेश्चन वहीं सोल्व हो जाएगा। जीनोटाइप लिखना है कि सामान्य दृष्टि वाले पुरुष है, पुरुष सामान्य दृष्टि है, यानी कि हमने इसको कैपिटल सी लिख लिया। डिजीज तो स्मॉल सी के कारण होती है। वर्णांध स्त्री के बीच में ये फीमेल है जो कलर ब्लाइंड है, दोनों स्मॉल सी है, ठीक है। उत्पन्न होने वाली संततियां, तो देखो हम संतति देख लेते हैं। इस वाई का इन दोनों से कराएंगे, ठीक है, वाई का दोनों से कराएंगे। इस वाई का करा दिया तो एक्स वाई, ठीक है, स्मॉल सी, यानी कि सारे के सारे जो लड़के मिल रहे हैं ना, इस सारे के सारे लड़के कलर ब्लाइंड मिलेंगे, ठीक है। फिर इस एक्स का इन दोनों एक्स से करा लेंगे, ठीक है, कैपिटल सी स्मॉल सी। सारे लड़के तो सारे के सारे लड़की कैसे मिल रहे हैं, कलर ब्लाइंड डिजीज, और सारी लड़कियां कैसी मिल रही हैं, कैरियर। तो क्या यही तो छांटना है, सारे लड़के डिजीज और सारी कैरियर मिल रही हैं, ठीक है। तो देखो वर्णांध पुत्र और वाहक पुत्रियां, यहीं से आ गया सीधा आंसर। जीनोटाइप लिखते ही क्रॉस कराते आंसर आ गया। तो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे जीनोटाइप लिखना है अपने को, तो ठीक है, जो बोले वो जीनोटाइप लिख दो। फिर इसका क्रॉस कराना है तो गैमेट बना के क्रॉस तो करा ही सकते हैं हम, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा फोर्थ, 107 108 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द प्लियोट्रोपी, प्लियोट्रोपी का एग्जाम्पल। प्लियोट्रोपी का मतलब क्या है, पहले प्लियोट्रोपी का मतलब होता है कि एक जीन बहुत सारे करैक्टर को रेगुलेट करे, बहुत सारे करैक्टर को रेगुलेट करे, करैक्टर एक दो तीन, उसको बोलते हैं प्लियोट्रोपी। और जब बहुत सारे जीन, जीन वन है, जीन टू, जीन थ्री, बहुत सारे जीन किसी एक करैक्टर को कंट्रोल करें, इसको पॉलीजेनिक बोलेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। ये वाला प्लियोट्रोपी होगा, ये वाला पॉलीजेनिक होगा। और बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं, प्लियोट्रोपिक एग्जाम्पल क्या क्या है, सिकल सेल एनीमिया भी होता है, फिनाइलिक्यूटोन्यूरिया भी होता है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम भी होता है, ठीक है। स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम क्योंकि वो उस बीज की शेप और साइज, शेप साइज दोनों करेक्टर को रेगुलेट करता है, इसलिए प्लियोट्रोपी में आएगा। सिकल सेल एनीमिया भी हो गया, ठीक है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम भी होगा, फिनाइलिक्यूटोन्यूरिया भी, तो फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। 108 में क्या आ गया, फोर्थ, फोर्थ, ठीक है। बात करते हैं 109 की। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50% हो, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50%, 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चन आ जाए ना तो सीधा ध्यान रखना है कि ऐसा तभी पॉसिबल है। ये जैसे एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब दो जीन के पेयर, जैसे ये ए ये स्मॉल ए, ये बी और ये स्मॉल बी, ऐसा तब ही पॉसिबल है जब दोनों जीन के पेयर अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पे हो और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगे। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगे तो कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, ए बी ए स्मॉल बी, ठीक है, स्मॉल ए
कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, चार टाइप के गैमेट बनेंगे और चारों इक्वल अमाउंट में बनेंगे, 1:1:1:1, यानी कि हाफ तो क्या बनेंगे रिकॉम्बिनेंट हाफ। ऐसा तब भी हो सकता है जब 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हो। तो कब होगा, जब दोनों जीन के पेयर अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पे होंगे। तो आंसर फर्स्ट ही करेक्ट हो गया, दोनों जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे होंगे। ठीक है, 109 में क्या हो गया फर्स्ट, क्योंकि अगर एक ही क्रोमोसोम पे यहां हो जाती, ठीक है, यहां होती दूसरी भी जीन, तो क्या हो जाता, लिंकेज शो कर देती, लिंकेज शो हो जाती, चाहे कंप्लीट चाहे इनकम्प्लीट, और कंप्लीट इनकम्प्लीट जैसे भी होती, तो क्या होते, पेरेंटल ज्यादा होते, दो ज्यादा होते गैमेट, दो कम होते, 50% पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, चलो 109 हो गया वन, उसके बाद बात करते हैं 110। देखो ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, इस पे एक्सपेरिमेंट करा था मॉर्गन ने, जीन वाइट। अब आपको ध्यान, जो हमने पहले बताया था ना, वो ध्यान रखना है कि ड्रोसोफिला में एक्स क्रोमोसोम पे तीन जीन को लेके क्रॉस कराया था, जीन ए था बॉडी कलर, जीन बी था आई कलर, जीन सी था, जो तीसरा जो जीन था वो था विंग्स की साइज। व्हाइट एंड येलो, व्हाइट और येलो का मतलब कौन सा आ गया, येलो और व्हाइट आते क्रॉस ए की बात हो रही है। ठीक है, तो उसकी बात आती है क्रॉस ए में इतने पेरेंटल, तो क्रॉस ए में पेरेंटल कितने होते हैं, 98 पॉइंट कितने होंगे। ठीक है, एंड जीन व्हाइट एंड मिनिएचर, यानी क्रॉस बी की बात कर रहे हैं, क्रॉस बी की, और उसमें कितने थे रिकॉम्बिनेंट, 37.2। पहले क्रॉस का पूछ लिया पेरेंटल 98.7, दूसरे क्रॉस का क्या पूछ लिया, रिकॉम्बिनेंट। देखो क्रॉस ए था क्रॉस बी था, ठीक है, क्रॉस ए क्रॉस बी की बात हो रही है। ठीक है, क्रॉस ए में क्या पूछ लिया उसने, क्रॉस ए में पूछा है कि पेरेंटल कितने थे, तो जो एनसीईआरटी में अपने डायग्राम दे रखे हैं, जो चार्ट दे रखा है, क्रॉस ए का पेरेंटल, क्रॉस बी का रिकॉम्बिनेंट। तो देखो क्रॉस ए का पेरेंटल कितना था, 98.7, क्रॉस बी का रिकॉम्बिनेंट 37.2, तो इसका तो फर्स्ट ही आ गया। ठीक है, उसके बाद ये बात हुई 110 की, फर्स्ट आ गया। 111 देखते हैं, थैलेसेमिया के बारे में बात हो रही है, थैलेसेमिया, तो यहां से अच्छा क्वेश्चन आता है थैलेसेमिया से, और कंपैरिजन करते हैं सिकल सेल एनीमिया से। तो देखो यहां बेसिक जो डिफरेंस देखना है, वो देखना है कि अपने को दोनों कैसे डिसऑर्डर हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। ठीक है, डिसऑर्डर कैसा है, मेंडेलियन, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, यानी कि सिंगल जीन में म्यूटेशन हो रहा है, जीन म्यूटेशन के कारण। ठीक है, जीन में म्यूटेशन के कारण हो रहा है। अब मेन जो डिफरेंस है ना सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन बनेगा वो उतना ही बनेगा जो नॉर्मल में बनता है, पर वो क्या होगा, क्वालिटी खराब होगी उसकी, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनेगा। तो सिकल सेल एनीमिया में, सिकल सेल एनीमिया में जो हीमोग्लोबिन बनता है वो बनता है उतना ही, अमाउंट उतनी ही होगी, बट कैसा होगा, डिफेक्टिव, यानी कि उसकी क्वालिटी खराब होगी, क्वालिटी खराब होगी। जबकि बात करें थैलेसेमिया की, थैलेसेमिया में हीमोग्लोबिन बनता तो अच्छा है, पर उसकी अमाउंट कम होगी, अमाउंट कम होगी। बात ये है, मेन जो डिफरेंस है ना सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया में जो हीमोग्लोबिन बनता है उसकी मात्रा उतनी होती है, बट क्वालिटी खराब होती है, क्वालिटी कम, बिल्कुल खराब तरह की क्वालिटी होगी। ठीक है, थैलेसेमिया की बात करें तो उसमें जो बनेगा हीमोग्लोबिन वो अच्छा बनता है, क्वालिटी अच्छी है, बट उसकी क्वांटिटी कम होगी। तो यहां से एक कंक्लूजन ये निकला कि सिकल सेल एनीमिया ये तो है एक क्वालिटेटिव, इसमें क्वांटिटी तो उतनी है पर क्वालिटी खराब है, क्वालिटेटिव हुआ, और थैलेसेमिया है एक क्वांटिटेटिव ट्रेट। ठीक है, बाकी वो जो होता है थैलेसेमिया की, बीटा थैलेसेमिया, अल्फा थैलेसेमिया, अल्फा थैलेसेमिया की जो जीन होते हैं वो होते हैं 16 नंबर पे क्रोमोसोम पे, 4 एलील होंगे उसके, दो जीन होंगे, जबकि बीटा हो गया वो एलील
11 नंबर के क्रोमोसोम पे होगी, उसके दो ही एलील होंगे, एक जीन होगा, ठीक है, ये अलग बात है। बट उसमें जो ओल और बात ये है कि थैलेसेमिया में क्वांटिटी कम होगी, सीधी बात है, सिकल सेल एनीमिया क्वालिटी खराब होगी, ठीक है, तो उसकी संतान में वंशानुगत होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। रिसेसिव के कारण होते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव के कारण होते हैं थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। म्यूटेशन से तो होता ही है, अब इसमें क्या होगा, थैलेसेमिया में ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन जो उसकी सिंथेसिस की दर कम हो जाती है, बिल्कुल सही बात है, क्वालिटी सही है बट क्वांटिटी कम हो जाएगी थैलेसेमिया में। इसमें हीमोग्लोबिन का संश्लेषण होता है, एनीमिया हो जाएगा, कैसा होता है, विकृत हीमोग्लोबिन का संश्लेषण होता है, तो विकृत तो दोनों में, यहां देखो इसके कारण विकृत हीमोग्लोबिन का संश्लेषण होता है, इससे एनीमिया हो जाता है, जो इस रोग का करैक्टर है, एनीमिया तो होगा ही होगा। अब पूछा है इसके बारे में, असत्य पूछा है, ठीक है, तो यहां जो है कि थैलेसेमिया सिकल सेल एनीमिया से भिन्न है, इसमें पहले वाला मतलब थैलेसेमिया क्रियात्मक ग्लोबिन निर्माण की गुणात्मक समस्या है, ये गुणात्मक समस्या नहीं है, मात्रात्मक समस्या है, जबकि यहां दे रखा है कि दूसरा ग्लोबिन संरचना की मात्रात्मक, उल्टा दे दिया, थैलेसेमिया होता है कैसा, मात्रात्मक, सिकल सेल एनीमिया होता है गुणात्मक। तो अब बात आती है, तो कौन सा करेक्ट हुआ, इसमें पूछा है कि असत्य पूछा है, ठीक है, तो यही असत्य हो गया, फोर्थ उल्टा दे दिया, तो 111 में कौन सा हो गया, फोर्थ, ठीक है, ठीक है। तो बात करते हैं 112 की, ठीक है, 112 की बात करते हैं, 112 देखते हैं, 112 में ये गैमेट है, गैमेट में क्रोमोसोम के बारे में दे रखा है, तो इस तरह के गैमेट मिले, यानी कि एक गैमेट इसमें इतने क्रोमोसोम है, दूसरे में एन माइनस वन है, जब दोनों मिलेंगे तो 2n माइनस वन हो जाएगा, और एस का मतलब है टोटल कितने, 45 क्रोमोसोम होंगे, ह्यूमन की बात करें तो 46 माइनस वन 45, और 45 किस में हो सकता है, टर्नर सिंड्रोम में 45 होता है, कैसे, 44 प्लस XO 45, ठीक है, तो आंसर करेक्ट हो गया, यहां से आंसर 112 में कौन सा हो गया, थर्ड, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट 113 की, 113 ड्रोसोफिला में मॉर्गन ने पाया कि F2 जनरेशन में, F2 में येलो बॉडी पीली और वाइट नेत्र, ठीक है, F2 में, तो यहां जो पूछा है कि F2 में पीली बॉडी तब वाइट नेत्र जो होते हैं कैसे होते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज होगा उसमें, ठीक है, और उसमें यानी क्रॉस ए की बात कर रहे हैं, क्रॉस ए, पीली बॉडी और वाइट, यानी कि आई कलर और बॉडी कलर की बात है, क्रॉस ए, और क्रॉस ए में रिकॉम्बिनेंट कितने बनते हैं, 1.3% बनते हैं, ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया, थर्ड, इसमें कौन सा आंसर हो गया, थर्ड आंसर हो गया, ठीक है, थर्ड आंसर हो गया, ठीक है, आंसर हो गया इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब ये है कि दो तरह के होंगे, पेरेंटल ज्यादा रिकॉम्बिनेंट कम, अगर केवल पेरेंटल ही बनते तो कंप्लीट लिंकेज था, ठीक है, चलो तो 113 हो गया, बात करते हैं 114 की। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ HBS, ठीक है, HBS इसकी आवर्ती दे रखी है, ठीक है, और हेट्रोजाइगस की आवर्ती पूछी है, तो कुछ नहीं करना, यानी कि स्मॉल ए की दे रखी है कितनी, 0.36, तो ए बराबर हो गया 0.6, तो बी बराबर हो गया 0.4, क्योंकि ए प्लस बी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, हेट्रोजाइगस का मतलब 2AB पूछा है, 2AB ये पूछा है, तो 0.6 गुणा 0.4 गुणा 2 कितना आ गया, 0.48, फोर्थ आंसर आ गया इसका, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया फोर्थ, ठीक है, चलो तो 114 में आ गया फोर्थ। बात करते हैं 115 की, ये पेडिग्री दे रखी है, पेडिग्री में पूछा है कि कौन सा विकार संभव नहीं है,
इसका मतलब एक पेडिग्री के एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, कौन सा विकार संभव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का देखो, इस तरह का अगर पेडिग्री दिख जाए, ठीक है, एक पेरेंट नॉर्मल है, एक पेरेंट अफेक्टेड और एटलीस्ट वन चाइल्ड अफेक्टेड, यानी कि कम से कम एक चाइल्ड अफेक्टेड हो। ठीक है, अब देखो ऐसी कोई आ जाए कि एक पेरेंट नॉर्मल, एक अफेक्टेड, उस जो पेरेंट है कि एक अफेक्टेड है, एक अफेक्टेड, एक नॉर्मल, इस पेरेंट के कम से कम एक चाइल्ड क्या हो, ठीक है, इस तरह की दिखे, ये दिख रही है, ये डिजीज हो जाए, पर ऐसा दिख जाए ना कि एक पेरेंट तो नॉर्मल है और एक पेरेंट क्या है, अफेक्टेड, इस तरह की दिख जाए ना, एक नॉर्मल एक अफेक्टेड, इसका मतलब ये ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ये भी हो सकता है, ये भी, यानी ऑटोसोमल तो हो ही सकता है, ये हमेशा अप्लाई होगा ये। ठीक है, ऐसा दिख जाए पेडिग्री में कहीं भी तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोमल रिसेसिव तो हो ही सकता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें, देखो अगर कहीं आपको पेडिग्री में दिखे कि फादर नॉर्मल उसकी डॉटर अफेक्टेड है, फादर नॉर्मल है डॉटर अफेक्टेड है, इसका मतलब ये एक्स लिंक रिसेसिव तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फादर नॉर्मल है और उसकी डॉटर अफेक्टेड है, अगर एक्स लिंक रिसेसिव होता, ये फादर है, इसकी कलर ब्लाइंड है, ठीक है, और इसकी ये, इसको कलर ब्लाइंड लेके चले हम, तो ये फादर नॉर्मल है, स्मॉल सी ये होगा, इसकी ये लड़की अफेक्टेड है, इसका मतलब दोनों स्मॉल सी, ठीक है, ये नॉर्मल है फादर तो कैपिटल सी आ जाएगा, सॉरी कैपिटल सी ये नॉर्मल है, इसकी मदर है अफेक्टेड स्मॉल सी, ठीक है, तो ये जो लड़की कभी डिजीज हो ही नहीं सकती, ये तो कैरियर ही होगी। समझ में आई ना बात है? कि अगर कोई पेडिग्री आपको दिख रही है तो ये तो होंगे, एक नॉर्मल एक अफेक्टेड है, ये अगर ऐसी पेडिग्री दिख रही है तो उसमें क्या होगा, एक नॉर्मल एक अफेक्टेड पेरेंट है, तो ऑटोसोमल तो हो ही सकता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोमल रिसेसिव, बात कर रहे हैं एक्स लिंक की, तो कहीं आपको फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड दिखे तो वहीं कट कर देना, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड ऐसा दिख जाए, ये पॉइंट है, पक्का पॉइंट है कि आपको फादर दिखे, फादर नॉर्मल दिखे, फादर नॉर्मल, ठीक है, और उसके बाद में उसकी मदर अफेक्टेड, तो वो एक्स लिंक रिसेसिव हो ही नहीं सकता, ये पूछा है, एक्स लिंक रिसेसिव हो ही नहीं सकता ये, ठीक है। 115 हुआ, इसके बाद में बात करते हैं, 115 में आ गया थर्ड, 116 की स्टेटमेंट की बात करें कि ओड वन, ठीक है, सिलेक्ट द वन वर्ड फॉर द स्टेटमेंट, इन वर्ड, इन स्टेटमेंट के लिए वन वर्ड देखो, यदि एफ वन दोनों पेरेंट से समानता दर्शाता है, कोडोमिनेंस, यदि एफ एन दोनों पैतर के समान नहीं दर्शाता उनके बीच का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यदि एफ एन दोनों पैतर में से किसी एक के समान, डोमिनेंस, छांट लो, ए में कोडोमिनेंस है, ए में कोडोमिनेंस, ए में कोडोमिनेंस दिख रहा है, ए में कोडोमिनेंस है, ये बी में इनकम्प्लीट, बी में इनकम्प्लीट, तो फोर्थ आंसर आ गया, सीधा सा है, ठीक है, दोनों पेरेंट के जैसा होगा कोडोमिनेंस, किसी के जैसा नहीं होगा इनकम्प्लीट, एक के जैसा होगा डोमिनेंस, ठीक है। 116 में फोर्थ आ गया। 117 की बात करते हैं, ये दे रखा है अच्छे से, बुक का एग्जैक्ट बुक का डायग्राम है एनसीईआरटी में से, तो आप देखोगे ये एक होमोलोगस पेयर है, ये दूसरा होमोलोगस पेयर है, ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट में एनाफेज में ये पेयर अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग, ये अलग, तो ये दोनों अलग अलग आ गए, ठीक है। अब देखो मियोसिस सेकंड की बात करें तो मियोसिस सेकंड में इसके ये क्रोमेटिड अलग अलग हो गए, इसके ये हो गए, अब ये इसके साथ जा सकता है, यानी कि यहां से जो दिखा रहा है इसमें बताया क्या कि चार टाइप के गैमेट बनेंगे, ऐसे कैसे,
जो हम बोलते हैं ना कि ए स्मॉल ए, बी स्मॉल बी, इससे कितने गैमिट बनेंगे, तो इससे चार टाइप के गैमिट बनते हैं ना। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से होता है ये। इनको अगर मैं यहां रख दूं, ए कैपिटल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, नीचे वाले पर रख दूं बी बी स्मॉल बी स्मॉल बी, तो यही होगा, ये ए ए आ जाएगा, ये स्मॉल ए स्मॉल ए, ये बी बी आ जाएगा, स्मॉल बी ठीक है। अब ये अलग होगा, ये अलग, ये दोनों साथ आ सकते हैं, ये किसी के साथ भी जा सकते हैं ठीक है। तो ये दोनों साथ आएंगे तो ठीक है, ये हो गया स्मॉल ए ठीक है। ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग, ये अलग, तो ए और बी साथ चले जाएंगे ठीक है। एक बार में ए और स्मॉल बी साथ चले जाएंगे, एक स्मॉल ए कैपिटल स्मॉल बी ठीक है, स्मॉल ए कैपिटल बी ठीक है। चार तरह के गैमेट बन सकते हैं ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, चार तरह के गैमेट, मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो स्वतंत्र पियोन को शो कर रहा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ठीक है। तो 117 में क्या गया फर्स्ट, 118 की बात करते हैं। इसमें से पूछा है प्रोजेनीज एल्डर, कौन सी प्रोजेनी सबसे बड़ी है इसमें एल्डर है, तो देखो इसको बोलते हैं, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं सिबलिंग लाइन, सिबलिंग लाइन है ठीक है। और सिबलिंग लाइन में इधर से स्टार्ट करते हैं, पहली प्रोजेनी ये है, दूसरी प्रोजेनी ये, तो ये पहली है सबसे बड़ी होगी, तो आंसर फर्स्ट ही आ गया 118 में फर्स्ट। 119 की बात करते हैं, सही कथन को चुनिए ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट। हीमोफीलिया लिंग संलग्न अप्रभावी, एक्स लिंक रिसेसिव होता है, बिल्कुल सही बात है। डाउन सिंड्रोम असुगुणिता एनप्लोइडी है, बिल्कुल सही बात है। अगर क्रोमोसोम के नंबर कम ज्यादा हो तो एनप्लोइडी, अगर पूरा सेट कम ज्यादा है तो उसको बोलेंगे यूप्लोइडी, यूप्लोइडी, यूप्लोइडी बोलेंगे उसको ठीक है, यूप्लोइडी बोलते हैं। नंबर कम ज्यादा हो एनप्लोइडी, वैसे यूप्लोइडी बोलेंगे ठीक है। तो ये एनप्लोइडी है, नंबर कम ज्यादा होंगे। फिनाइलक्यूटीरिया एलिंगी, एलिंगी प्रभावी जीन विकार, नहीं, एलिंगी प्रभावी जीन विकार नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। फिनाइलक्यूटीरिया एलिंगी अप्रभावी, बिल्कुल सही बात है। सिकल सेल एनीमिया एक्स लिंक, नहीं, ये तो ऑटोसोमल होता है ठीक है, ये गलत हो गया। यानी कि ए बी ठीक है, ए सही है, बी सही है ठीक है, और डी सही है, ए बी डी सही है, और सी और ई गलत है, ए बी डी सही है और सी और ई गलत है। तो हमेशा चारों ऑप्शन को पढ़ना है अपने को, इसका मतलब फोर्थ आंसर हो गया, आंसर फोर्थ ठीक है। तो 119 में क्या गया फोर्थ आंसर। बात करते हैं 120 की, एक ए ब्लड ग्रुप वाला मैन है, ए ब्लड ग्रुप वाले नर का विवाह, ए बी रक्त समूह वाली मादा, ब्लड ग्रुप ए। अब ए ऐसे भी हो सकता है इसका ब्लड ग्रुप, और ऐसे भी हो सकता है, और इसका विवाह हुआ है मादा से, ए बी वाली मादा है, ए बी। तो उसने पूछा कि संतान का कैसा ब्लड ग्रुप आए जिससे ये पता चले कि वो उसका ऐसा ब्लड ग्रुप है ठीक है। तो देखो ऐसा कब पॉसिबल है ठीक है, नर विषम युग्म जी है, तो अगर उस जो लड़का है उसका ब्लड ग्रुप ऐसा आ जाए बी, बी ब्लड ग्रुप आ जाए ना उसका ब्लड ग्रुप बी, तो उससे ये पता चल रहा है कि उसकी जो फादर है वो क्या है, विषम युग्म जी है, क्योंकि ये तब ही आ सकता है जब इधर से ये आई आएगा ठीक है। दूसरा बी ऐसे भी तो हो सकता था ऐसे, पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसमें तो बी है ही नहीं। हाँ इधर से आई आ सकता है, इधर से बी आ सकता है, इसका मतलब अगर उस मद उसके जो एक चाइल्ड है, किसी भी चाइल्ड का ब्लड ग्रुप बी है, इससे ये पता चला कि उसके फादर क्या है, ए ब्लड ग्रुप तो है पर ये दोनों कैपिटल ए नहीं है, ए कैपिटल ए और एक आई जीरो है। ये कब पता चलेगा, जब किसी भी संतान में से एक का ब्लड ग्रुप बी आ जाए तो 120 में क्या आएगा फोर्थ ठीक है। बात करते हैं 121,
बारबॉडी एबसेंट होती है। बारबॉडी क्या होती है? एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है, जैसे ये फीमेल है, फीमेल में एक एक्स्ट्रा एक्स है, यानी कि एक बार बॉडी है। मेल में एक्स्ट्रा एक्स, एक ही एक्स है, एक्स्ट्रा नहीं है, इसका मतलब जीरो बार बॉडी है। तो देखो बार बॉडी एबसेंट किस में है? मेल में नहीं होती ये बार बॉडी। दूसरा, सामान्य मादा में तो होती है, सामान्य नर और टर्नर मादा। टर्नर मादा कैसी होती है? 44+X0, इसका मतलब टर्नर मादा में भी बार बॉडी जीरो होती है। तो आंसर सेकेंड निकला है, निकल गया। यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम के अलावा जो एक्स क्रोमोसोम होगा उसको बार बॉडी बोलेंगे, ठीक है। तो 121 में सेकंड आ गया। चलो 122 देखते हैं। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में निम्न से क्या विशेषता है, ठीक है, उसकी विशेषता देखिए। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की विशेषता, ठीक है, इसके लिए विशिष्ट संश्लेषित माध्यम की आवश्यकता, ठीक है, गलत बात है। विशिष्ट संश्लेषित, विशिष्ट माध्यम नहीं, नॉर्मल, एक लेबोरेटरी में जो नॉर्मल मीडियम उसमें ग्रो कर जाती है। लिंगों का स्पष्ट रूप से विभेदन, नर बड़ा, नहीं, नर तो छोटा होता है, स्मॉल साइज होती है। देहिक यानी ऑटोसोमल तीन जोड़े होते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टोटल कितने होते हैं? 8 क्रोमोसोम होते हैं, 6+XX या 6+XY, और 6 को ऐसे लिख देते हैं 3A+XX, 3A+XY, यानी कि 6 तो ऑटोसोमल है, 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो 3 जोड़े ही हुए ना ऑटोसोम, ये आंसर सही हो गया। 2 महीने जीवन चक्र, 102 वीक होता है भाई, ये गलत हो गया, ये गलत। थर्ड ही सही है, 122 में आ गया थर्ड, 122 में थर्ड आया। 123 की बात करते हैं। अप्रभावित माता पिता के, ठीक है, अप्रभावित माता पिता, ठीक है, अनअफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अफेक्टेड चाइल्ड, दोनों पेरेंट है नॉर्मल, उसको कोई अफेक्टेड चाइल्ड ऐसा आ जाए, कोई भी अफेक्टिव, इसका मतलब ये डोमिनेंट तो हो ही नहीं सकता, चाहे ऑटोसोमल डोमिनेंट हो चाहे एक्स लिंक डोमिनेंट, ये डोमिनेंट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और जनरेशन स्किप हो रही है, स्किप जनरेशन का मतलब ये रिसेसिव है, सीधी सी बात है, ठीक है। और रिसेसिव नाम आते हैं, एक नाम आया एल्बिनिज्म, ये रिसेसिव है ऑटोसोमल, हाइपोट्राइकोसिस वाई लिंक है, माइटोनिक डिस्ट्रोफी, ये सारे क्या है? डोमिनेंट है, एल्बिनिज्म ही है, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो आंसर कौन सा आ गया इसमें? एल्बिनिज्म, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव। और रिसेसिव होगा इसका मतलब दोनों नॉर्मल है, ये दोनों नॉर्मल है, ठीक है, स्किप जनरेशन, और इसको नहीं है आगे वाली को डिजीज हो गई, इसका मतलब स्किप जनरेशन हो सकता है। ये भी नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो ये भी नॉर्मल हो सकता है, ये नॉर्मल हो सकती है, कैसे, ठीक है, नॉर्मल हो सकती है, और डिजीज भी हो सकती है, स्मॉल है, ठीक है। और जनरेशन स्किप आता ही तो इसका मतलब समझ जाना कि वो रिसेसिव डिजीज है, सीधी बात है, हर जनरेशन में डिजीज आ रही है, मतलब डोमिनेंट है। 123 में थर्ड आ गया, 124 देखते हैं। एक मादा जो एल्बिनिज्म के लिए साथ साथ वर्णांता के लिए भी विषमयुग्म जी है, जीनोटाइप लिख देते हैं, क्वेश्चन अच्छे से सही हो जाएगा। एल्बिनिज्म के साथ साथ वर्णांता के लिए विषमयुग्म जी, एल्बिनिज्म का मतलब ऑटोसोमल यानी स्मॉल ए कैपिटल स्मॉल ए, और वर्णांता के लिए विषमयुग्म जी मतलब एक्स वाई पे आएगा वो, तो वर्णांता तो फीमेल है यानी कि एक्स, वर्णांता के लिए विषमयुग्म जी कैपिटल सी स्मॉल सी, ये तो उस फीमेल का जीनोटाइप हो गया, ठीक है, फीमेल का जीनोटाइप हुआ। तथा एक एल्बिनो पुरुष, एक एल्बिनो पुरुष का मतलब स्मॉल ए प्लस सामान्य दृष्टि कैपिटल सी, ये है। तो ब्याह करने पर उनके बच्चों के एल्बिनिज्म के साथ साथ वर्णांता होने की प्रायिकता, यानी कि इससे तो जो बनेंगे ना चार टाइप के गैमेट बनेंगे, कैपिटल ए प्लस कैपिटल सी ए, कैपिटल ए प्लस एक्स स्मॉल सी, स्मॉल ए प्लस एक्स कैपिटल सी, और स्मॉल ए प्लस एक्स स्मॉल सी, चार गैमेट, चार तो टाइप के अंडे बनेंगे, और स्पर्म बनेंगे ए प्लस एक्स कैपिटल सी और ए प्लस वाई। इसने पूछा है कि उनके बच्चों में एल्बिनो और वर्णांत दोनों होने की प्रायिकता कितनी होगी, तो 4 × 8 टोटल प्रोजेनी बनेंगी 8,
ठीक है, उस आठ में से दोनों के लिए रिसेसिव, तो इसके अंडा ये दोनों के लिए रिसेसिव है एक, और ये ठीक है। और उसने क्या पूछा है कि एल्बिनिज्म के साथ साथ वर्णांध होने की प्रायिकता क्या होगी, वर्णांध ठीक है, एल्बिन पुरुष जो सामान्य दृष्टि युक्त है उसके बच्चों के एल्बिनिज्म के साथ साथ वर्णांध होने की प्रायिकता। तो देखो ये जब ये वाला एग इस वाले स्पर्म के साथ कर लेगा ना, तो दोनों के दोनों संतानें कैसी बनेंगी, एल्बिनिज्म प्लस ये लड़का होगा और कलर ब्लाइंड भी होगा, यानी कि आठ में से कितनी बनेंगी, ठीक है आठ में से कितनी बन रही है, एक तो ये बन गया ठीक है, और दूसरा कौन सा हो सकता है एल्बिनिज्म के साथ साथ, तो ये हो सकता है ठीक है। तो कितना आ जाएगा, आठ एक बाट और 12.5, यानी कि आठ में से एक आ रहा है, आठ में से एक आ रहा है तो 12.5 आ गया भाई, टोटल प्रोजेनी आठ होंगी और आठ में से कोई एक संतान ऐसी है वो भी लड़का है जो एल्बिनिज्म है और कलर ब्लाइंड दोनों के लिए है, तो 124 में क्या आ गया, सेकंड ठीक है। चलो उसके बाद बात करते हैं 125 का, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कैनॉट बी ऑब्जर्व इन द मेल ड्रोसोफिला। मेल ड्रोसोफिला की बात करें तो आपको देखो बता देता हूं, मेल ड्रोसोफिला में क्या होता है, एक्स है वाई है, ये होता है एक्स वाई, यानी कि ये एक्स है और ये वाई है, तो यहां देखो असमान है यानी कि क्रॉसिंग ओवर तो हो ही नहीं सकता इसमें, बाकी सारी चीजें पॉसिबल है, क्रॉसिंग ओवर तो समजात गुणसूत्रों के जीन के आदान प्रदान से होगा, समजात गुणसूत्र में आपस में जीन का आदान प्रदान हो तब उसको क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे ठीक है। सेग्रीगेशन तो हो ही सकता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑटोसोमल जीन का, यानी कि एक्स वाई को छोड़ के ऑटोसोमल में हो ही सकता है, लिंकेज तो हो ही सकता है ठीक है, पर क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं है कौन से में, इसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है मेल ड्रोसोफिला जो होता है ना, मेल ड्रोसोफिला में क्या होता है क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या होगा उसमें कंप्लीट लिंकेज होता है ठीक है, मेल ड्रोसोफिला में कंप्लीट लिंकेज है, कंप्लीट लिंकेज है ठीक है, तो इसमें क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं है ठीक है, और एक्स वाई होता है ठीक है, तो यहां क्या होता है कंप्लीट लिंकेज होगा, इसमें क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं सकता, तो 125 में क्या हो गया, सेकंड ठीक है, 125 में सेकंड आ गया ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 126 की, ठीक है 126 की बात करते हैं, 126 में पूछा है क्या कि सामान्य दृष्टि वाला पुरुष वर्णांता के लिए वाहक स्त्री, जीनोटाइप लिखना है बस, सामान्य दृष्टि वाला पुरुष जीनोटाइप लिखते क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, सामान्य दृष्टि वाला पुरुष है सामान्य दृष्टि वाला पुरुष एक्स वाई है, इसकी दृष्टि सामान्य यानी कैपिटल सी, वर्णांता के लिए वाहक स्त्री, वाहक मतलब कैपिटल सी स्मॉल सी, वाहक हो गई ठीक है। तो देखो सामान्य है वर्णांता के लिए वाहक, तो इससे जो लड़के बनेंगे ना कैसे बनेंगे, इस एस का एक्स स्मॉल सी एस कैपिटल, आधे लड़के वर्णांध होंगे, और लड़कियों की बात करें तो ये लड़कियां की बात करें तो ये नॉर्मल हुई और कैरियर, आधी लड़कियां कैरियर हुई आधी नॉर्मल है ठीक है, और लड़के जो होंगे वो कैसे होंगे, देखो सभी वर्णांत पुत्र होंगे, पुत्रियां सामान्य होंगी, बिल्कुल गलत बात है, 50% पुत्रियां वर्णांता के लिए वाहक होंगी, बिल्कुल सही है, पुत्र तथा पुत्री दोनों वर्णांध होंगी नहीं, एक नर संतति के सक्रिय रूप से रोगी होने की संभावना 50%, सही बात है 50% ही हो सकती है, तो डी सही है, बी और डी सही आंसर, फोर्थ आ गया ठीक है, जीनोटाइप लिखना है बस क्रॉस करना है और कुछ नहीं है, जीनोटाइप सही आ गया तो आंसर सही आ जाएगा। 126 की बात करी तो 126 में आ गया, 126 में आ गया फोर्थ, बात करेंगे 127 की, पैरेललिज्म इज द बिहेवियर ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम वाज प्रपोज बाई, यानी कि गुणसूत्र के और जीन के व्यवहार में समांतरता क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यही तो बताती है जो सटन और बोवेरी ने दी थी ठीक है, सटन बोवेरी ने दी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस,
उन्होंने यही बताया था कि जो क्रोमोसोम का बिहेव होता है वैसा जीन का होता है। आंसर थर्ड 127 में, 128 की बात करते हैं। ठीक है, विषम का चयन करना है, तो ये जो दे दिया है ये किसकी बात है, क्लाइफेंटर की है। बुक में ऐसे कैसे लिखा है, क्लाइफेंटर की बात है। क्लाइफेंटर में क्या हो गया, 47 हो जाते हैं, एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि फीमेल करेक्टर ज्यादा होंगे। फीमेल करेक्टर होंगे, गायनेकोमेस्टिया भी होगा, मैस्कुलाइन बॉडी भी होगी, ये इसका जीनोटाइप होगा, पर बार बॉडी एबसेंट नहीं, बार बॉडी होगी क्योंकि एक एक्स्ट्रा आ गया ना, बार बॉडी तो होगी। तो इसमें ये ओड है इसका, सेकंड इसका आंसर हो गया, क्योंकि इसने लिखा है बार बॉडी एबसेंट, जबकि बार बॉडी तो होती है। ठीक है, क्लाइफेंटर सिंड्रोम का है। 128 की बात हुई, सेकंड 129, क्वांटिटेटिव जो हमने डिस्कस भी कर लिया था कि जो थैलेसेमिया होता है उसमें जो बनता है हीमोग्लोबिन वो कम बनता है, क्वांटिटेटिव है, और बीटा चेन में होगा तो उसको बीटा थैलेसीमिया बोल देंगे। ठीक है, बीटा ग्लोबिन संश्लेषण की जो मात्रात्मक समस्या होगी उसको बीटा थैलेसीमिया, और अल्फा चेन में होगी तो उसको अल्फा थैलेसीमिया बोलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बीटा थैलेसीमिया, फोर्थ आंसर इज करेक्ट। 129 में आ गया फोर्थ। उसके बाद 130 की बात करते हैं, यानी कि हमारे समाज में लड़कियां पैदा करने के लिए महिलाओं पर आरोप लगाए जाते हैं। बाकी ह्यूमन में कैसा होता है सेक्स डिटरमिनेशन, हेट्रोगैमेटिक होता है, नर यानी कि मेल जो होगा उसकी स्पर्म की डिजाइन के ऊपर डिपेंड करेगा कि लड़का होगा कि लड़की, यानी मेल पे डिपेंड करेगा वो, तो फीमेल पे थोड़ी करेगा। फीमेल से तो केवल एक ही टाइप का क्या बनता है, ओवा। ठीक है, चलो तो बात करते हैं 130 में क्या जाएगा कि जेनेटिक मेकअप जो होगा ना स्पर्म का वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ देखो लिख रखा है कि स्त्री में कुछ त्रुटियों का नहीं, गलत बात है, पुरुष में एस्परमिया जैसी कुछ त्रुटियां नहीं, अंडे को निषेचित करने वाले विशिष्ट जीनोटाइप वाला स्पर्म वो उसके संतति को डिसाइड करेगा कि मेल होगी कि फीमेल। ठीक है, तो थर्ड इज करेक्ट 130 में। 131, ये बुक में ऐसे कैसे लिखा है कि आई जीन मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप। ठीक है, और उसमें क्या देखते हैं, कितने जीनोटाइप कितने फिनोटाइप होंगे, नंबर ऑफ एलील कितने हैं, तीन, तो क्या होगा n+1, n cos n+1/2 कितना हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात करते हैं उसका दूसरा, और वैसे भी देख सकते हैं हम कि देखो कैसे देख सकते हैं, ए ब्लड ग्रुप में ए ये जीनोटाइप ए आई ऐसा होता है, बी में बी 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 आई, ए बी में आई ए आई बी। ठीक है, इसके बाद बात करें ए बी हो गया, ए बी हो गया। ठीक है, ओ की बात करें, आई ओ 1 2 3 4 5 6 6 तो जीनोटाइप हो गए, और फिनोटाइप की बात करें तो ये ब्लड ग्रुप ए, ये ब्लड ग्रुप बी, ये ए बी और ये ओ, चार तो उसके क्या हो गए, फिनोटाइप। पूछा है जीनोटाइप और फिनोटाइप, जीनोटाइप होंगे 6 जीनोटाइप हो गए और चार क्या हो गए, फिनोटाइप, 6 जीनोटाइप 4 फिनोटाइप। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, तो 131 की बात करें तो जीनोटाइप कितने हो गए, 6, और फिनोटाइप कितने हो गए, 4। उसके बाद बात करते हैं 131 के बाद में 132 की, जेनेटिक मैप बनाया था अल्फ्रेड स्टूवेंट ने, जो मॉर्गन का शिष्य था। जेनेटिक मैप ये बताता है कि किसी क्रोमोसोम पे जीन कहाँ कहाँ अरेंज है, जीन की लोकेशन बताता है, एस्टेब्लिश साइट ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम। फर्स्ट ही करेक्ट हो गया 132 में फर्स्ट। ठीक है, 132 में फर्स्ट आ गया। ठीक है, बात करते हैं 133 की, 133, ये हार्डी-विनबर्ग का लो है कि 49% समयुग्मजी प्रभावी, मतलब कैपिटल ए कितने हैं, 49% का मतलब 0.49, यानी ए बराबर 0.7, तो स्मॉल ए बराबर 0.3। पूछा है विषमयुग्मजी मतलब ए ए मतलब क्या बोल सकते हैं, 2PQ पूछा है, यानी कि 2 × 0.7 × 0.3 कितना हो गया, 42%, तो 133 में आ गया, 133 में आ गया 2। ठीक है, 134 की बात करते हैं, पेडिग्री दे रखी है
और बता भी दिया कि ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात है, ठीक है, एलिंगी प्रभावी वंशावली को दर्शाता है, तो द्वितीयक पीढ़ी का जीनोटाइप क्या होगा? ऑटोसोमल डोमिनेंट, इसका मतलब ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी, ये तो ऐसे होगा ही होगा, दोनों डिजीज है, इसका मतलब ये ऐसे होंगे होंगे, इसका मतलब दोनों विषम युग्म जी होंगे भाई, ये जीनोटाइप है और ये दोनों डिजीज आ रहे हैं, इसका मतलब ये कैसा होगा? ठीक है, ये डिजीज है कि दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब ये वाला होगा इसका और ये इसका, तो ये विषम युग्म जी आएंगे। विषम युग्म जी कौन से हैं? यही है फोर्थ ही, ठीक है, 134 में फोर्थ आ गया। फोर्थ बात करते हैं 135 की, 135 की बात करते हैं, ये किसके बारे में है? ये जो 135 दे रखा है, ये जो डायग्राम दे रखा है, ये किसके बारे में है? ठीक है, तो इसमें जीएजी की जगह जीयूजी हो जाता है, ग्लूटामिन की जगह वेलिन हो जाता है, ये किसके बारे में दे रखा है? सिकल सेल एनीमिया के बारे में दे रखा है, ठीक है, इसकी बात करें सिकल सेल एनीमिया के बारे में दे रखा है ये, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया के बारे में दे रखा है ये। 135 जो डायग्राम दे रखा है कि जो आरबीसी है कैसी हो रही है, आरबीसी कैसी होगी, ये राउंड है सर्कुलर, उससे कैसी हो गई है, सिकल शेप हो गई है, ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, ग्लूटामिन की जगह वेलिन आता है, बीटा ग्लोबिन जो हो रहा है हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन संरचना पे, ठीक है, जो पेप्टाइड होती है उसमें ग्लूटामिन की जगह वेलिन आ जाता है, ठीक है, तो यहां तक बात कंप्लीट हुई हमारी, पूरा डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है, यहां तक हम टॉपिक डिस्कस करा, पेपर पूरा यही हम क्लोज करते हैं, ठीक है, जय सी एल सी, ओके, थैंक यू।